नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपको मकान का योग, दुकान का योग, प्लाट का योग मिलने वाला है। अगर आपके हाथ में ऐसे संकेत है तो आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है या बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों में हम कितनी गहराइयों में सोचते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हृदय रेखा हमारे दिल के विचारों के बारे में बताती है। सबसे पहले हम देखते हैं मकान का योग कैसे बनता है हाथों में। और ये सबकी इच्छा होती है, सबकी चाहत होती है कि अपने जीवन में मकान लेना है, दुकान लेना है। इन चीजों का दिमाग में चलता रहता है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी कई लोगों को ये नसीब नहीं हो पाता है। तो अगर आपके हाथों में ऐसा चिन्ह है तो जरूर आप मकान का, दुकान का, प्लाट का, इन चीजों का सुख प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जब भी मकान की बात आती है तो शुक्र के पर्वत के ऊपर, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत, शुक्र के पर्वत के ऊपर एक वर्गाकार बनना चाहिए। ये वर्गाकार, ये सिर्फ मकान बनने का संकेत देता है कि अगर आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है तो आप मकान का योग निश्चित रूप से उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। और इसी के साथ यहां ये गुरु का पर्वत है, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं, गुरु का पर्वत। गुरु के पर्वत के ऊपर भी एक वर्गाकार बनना चाहिए, ये गुरु के पर्वत के ऊपर। ये मकान होने का दो जगह पे जो संकेत बनता है फिक्स कर देता है। ऐसे लोगों को मकान, दुकान, प्लाट बनना ही है। और इसी के साथ एक भाग्य रेखा भी बना देते हैं आपको। और एक चीज आपने देखा होगा, कई लोग बहुत ज्यादा जमीनें खरीदते हैं, सिर्फ वो खरीदते जाते हैं, बेचते नहीं है। उनके हाथों में आप देखें तो ऐसी एक मंगल के क्षेत्र से, इसको पूर्व पूर्ण रेखा भी कहते हैं हम, ये सूर्य के क्षेत्र पे जाए, मंगल के क्षेत्र से। ऐसे लोग सिर्फ जमीन खरीदते हैं, बेचते नहीं है। उनको शौक होता है जमीन खरीदने का, और काफी जमीनों के मालिक भी होते हैं। और इसी के साथ मकान बनता कब है और किस एज में हम मकान को खरीदेंगे, अगर ऐसा है तो आप देखें निश्चित रूप से एक संकेत बनता है, ये वर्गाकार बनता है, माफ करना, ये एक त्रिकोण बनता है। अब ये चाहे दुकान का या मकान का या प्लॉट का, ये संकेत दे रहा है कि इस एज में आपको मकान या दुकान मिलने वाली है। और इसी के साथ अगर ये और वर्गा त्रिकोण बने तो ये दोनों संकेत है आपको इस एज में। अगर एज की कैलकुलेशन हम हाथों पर करते हैं तो ये जीवन रेखा से देखें तो ये एज आपका बन रहा है 35 और ये 45 के बीच में, ये 35 एज के बीच में बन रहा है और ये 45 के बीच में। काफी इस एज में आप मकान का, दुकान का, प्लाट का खरीदारी करेंगे, लेकिन अब उस प्लाट को कब बनाएंगे उसका संकेत आप अपनी भाग्य रेखा के ऊपर देखें। इसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा प्रबल है और इसके ऊपर भी एक त्रिकोण बन जाए, ये त्रिकोण बन जाए, ये त्रिकोण बन जाए।
अगर इस एज का हम कैलकुलेशन करते हैं भाग रेखा के ऊपर, ये एज आता है आपकी 30 साल का। और इसके बीच में अगर एक त्रिकोण बनता है तो ये आपका 45 साल का एज पे आपका मकान या दुकान या प्लॉट मिलने वाला। और कई बार कंफ्यूजन होता है, कई लोगों के पास उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं पुश्तैनी जमीन जायदाद है, क्या वो भी मिलने वाली है? तो उसके लिए देखें आप, एक यहाँ जो शनि का माउंट है जिसको हम कहते हैं कि शनि के माउंट के नीचे एक वर्गाकार यहाँ पे भी बन जाए, ये वर्गाकार बन जाए, यहाँ पे ये वर्गाकार बन गए। ऐसे लोग जीवन में अपने जो पुश्तैनी जमीन जायदाद होती है उसका भी लाभ उठाते हैं। और ये मंगल के क्षेत्र पे अगर एक मंगल रेखा हो, ये मंगल रेखा हो और ये मंगल का ये पर्वत थोड़ा सा मीडियम का हो, तो ऐसे लोग भी पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।